हेलो बच्चों, कैसे हैं? आशा करते हैं आप ठीक ठाक होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आपको केमिस्ट्री के फर्स्ट पार्ट में सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन दो चैप्टर पढ़ा दिया गया है। तीसरा चैप्टर का वीडियो आज स्टार्ट होगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप क्या क्या पढ़ोगे? कुछ इलेवेंथ के टॉपिक ऑक्सीकरण ऑप्शन आपको जानना आवश्यक है। इस चैप्टर में किसको इलेक्ट्रोड विभव बोला जाता है, डेनियल सेल क्या होता है, आप एक बड़ा ही महत्वपूर्ण नियम कुलराउस का नियम है, इसमें नर्स्ट इक्वेशन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, नर्स्ट इक्वेशन है उससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। फिर इसमें आप पढ़ोगे विद्युत रासायनिक श्रेणी, जो 10th में आप पढ़ चुके हैं उसको पढ़ना है। विद्युत अपघटनी चालकता किसको बोला जाता है, किसको मोलर चालकता बोलते हैं, किसको तुल्यांक चालकता बोला जाता है। डिबाय हेकल ऑनश्रिंगर इक्वेशन जो एक दो साल पहले IIT मेंस में पूछा था, वो इक्वेशन भी आपको पढ़ना है। तो बड़ा ही अच्छा चैप्टर है। आज शुरुआत किया जाए तो विद्युत रसायन, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा व रासायनिक ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के परस्पर रूपांतरण के बारे में अध्ययन करते हैं। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन का अध्ययन करते हैं, इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अरे बात सुनिए, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के परस्पर रूपांतरण का अध्ययन करते हैं, उसी को बोला जाता है क्या? विद्युत रसायन, आपको विद्युत रसायन बोला जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें एक विद्युत रासायनिक सेल होगा, विद्युत रासायनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को बोला जाएगा विद्युत रासायनिक सेल, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है विद्युत रासायनिक सेल जिसमें दो इलेक्ट्रोडों को एक ही पात्र में या अलग अलग पात्र में डुबाया गया रहेगा। अगर अलग अलग पात्र में डुबाए रहेंगे तो साल्ट ब्रिज के द्वारा दोनों को संबंधित करेंगे, उसको विद्युत रासायनिक सेल बोला जाएगा। वह निकाय ऐसी युक्ति जिसमें दो इलेक्ट्रोड को एक ही पात्र में या अलग अलग पात्रों में डुबाया गया रहता है और उन दोनों पात्रों का एक दूसरे में से संबंध होता है। विद्युत रासायनिक सेल दो प्रकार, एक होगा विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत अपघटनी सेल, और एक है गैल्वेनिक सेल। विद्युत अपघटनी सेल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और गैल्वेनिक सेल विद्युत अपघटनी सेल किसको? ऐसा सेल जिसमें विद्युत ऊर्जा को, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। गैल्वेनिक सेल ऐसा सेल जिससे रासायनिक ऊर्जा को
वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित आई बात समझ में। विद्युत रसायन, रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के परस्पर रूपांतरण का अध्ययन किया जाएगा। विद्युत रासायनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ऐसा निकाय जिसमें दो इलेक्ट्रोड एक ही पात्र में या अलग अलग पात्र में डुबाए गए रहेंगे, और अगर अलग अलग पात्र में डुबाए गए हैं एक ही पात्र में है तभी पोरस एक होगा परत, उसके द्वारा उसको बाइफर्केट करेंगे अलग करेंगे, और अलग अलग पात्र में डुबाया गया रहेगा तो दो अर्धशेल होगा, दोनों को जोड़ दिया जाएगा साल्ट ब्रिज के द्वारा। अर्धशेल किसको बोलेंगे, साल्ट ब्रिज किसको बोलेंगे, ये आगे आने वाला है। विद्युत रासायनिक सेल दो प्रकार का, विद्युत रासायनिक सेल बोला जाता है जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करेगा। विद्युत रासायनिक सेल दो प्रकार का, एक है विद्युत अपघटनी सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में चेंज करेगा, और गैल्वेनिक सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करेगा। आई बात समझ में। फिर इसके बाद आता है अर्धशेल, हाफ सेल किसको बोलते हैं, आया है अर्धशेल, अर्धशेल अर्धशेल एक ऐसा निकाय है जिसमें किसी धातु की क्षण को उसी के लवणीय विलयन में डुबाते हैं, जैसे कापर, कापर धातु की क्षण है, कापर धातु की क्षण को जब कापर सल्फेट या कापर नाइट्रेट के विलयन में डुबाएंगे Cu, और ये रहेगा CuSO4 या CuNO3 का होल ट्वाइस, कॉपर नाइट्रेट के विलयन में जब डुबाया जाएगा तो इसी निकाय को अर्धशेल बोला जाएगा। हम क्या करें, जिंक धातु की क्षण ले लें, जब जिंक धातु की क्षण को, ये जिंक धातु की क्षण हो गया और इसको जिंक सल्फेट के विलयन में डुबा दें ZnSO4। जब किसी धातु की क्षण को उसी के लवणीय विलयन में, कॉपर का धातु की क्षण है तो कॉपर सल्फेट, कॉपर नाइट्रेट, आप कॉपर फास्फेट के विलयन में डुबाएंगे तो जो निकाय बनेगा उसी को बोला जाएगा हाफ सेल। अर्धशेल में जो अभिक्रिया होगी उसको अर्धशेल अभिक्रिया बोला जाएगा। अर्धशेल अभिक्रिया जैसे यहीं पे हो रहा है Cu2 पॉजिटिव कन्वर्ट्स इनटू C, यहां है Zn कन्वर्ट्स इनटू Zn2 पॉजिटिव, ये अपचयन अर्धाभिक्रिया है, ये आक्षिकरण अर्धाभिक्रिया है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें केवल आक्षिकरण हो, केवल अपचयन हो, उसको हाफ शेल बोला जाता है। कोई भी जो पूरा रिएक्शन होगा तो आक्षिकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होगा। अगर आक्षिकरण हो रहा होगा तो किसी अन्य पदार्थ का अपचयन निश्चित रूप से हो रहा होगा, या उसी पदार्थ का अपचयन भी हो रहा होगा उस समीकरण में। कोई भी एक रासायनिक समीकरण जब पूरा लिखा जाता है तो उसमें आक्षिकरण और अपचयन दोनों पाया जाता है। और ऐसी कोई रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें केवल ऑक्सीडेशन हो रहा हो, केवल रिडक्शन हो रहा हो, तो आक्षिकरण केवल हो रहा होगा तो उसको आक्षिकरण अर्धाभिक्रिया, केवल अपचयन हो रहा होगा तो उसको अपचयन अर्धाभिक्रिया बोला जाए। अब देखो इस समीकरण, आप हम बता रहे थे ऑक्सीकरण अपचयन का थोड़ा सा ज्ञान आपको होना चाहिए। इक्वेशन बैलेंस करने के लिए बार बार इलेक्ट्रॉन की संख्या आएगा, उससे संबंधित कैलकुलेशन करना होगा, तो इसी समीकरण को, ये अपचयन हो रहा है, कैसे हमको पता चल रहा है कि अपचयन हो रहा है, ऑक्सीकरण संख्या का घटना अपचयन बोला जाता है। ऑक्सीकरण संख्या किसको बोलते हैं, आप जैसे जैसे आएगा उतना गहराई में फंसते जाओगे। ऑक्सीकरण संख्या किसी समूह पर जितना आवेश होता है उसी को उसकी ऑक्सीकरण संख्या बोलते हैं। जैसे अगर आपसे पूछ दे कि Zn की ऑक्सीकरण संख्या कितने, कोई आवेश नहीं है, कोई आवेश नहीं है तो ऑक्सीकरण संख्या इसकी शून्य होगी। अगर यहीं पे Zn2 पॉजिटिव रहेगा तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या बस ट्रू होगी। किसी समूह पर जितना चार्ज होता है, जितना आवेश होता है, वही उसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है। अगर आप देखो, आप NaCl के बारे में पढ़े हो, सोडियम क्लोराइड, पूछ दे कि सोडियम क्लोराइड की ऑक्सीकरण संख्या कितनी, जीरो, कोई आवेश नहीं, और इसमें Na
Na one positive बनाएगा, Cl one negative बनाएगा, तो Na की oxygen संख्या plus one, Cl की oxygen संख्या minus one, NaCl बनने के लिए Na one positive, Cl one negative को जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो oxygen संख्या इसकी zero आ जाएगी। आ रही बात समझ में? कर लोगे oxygen संख्या निकाल लोगे ना? देखो, अगर निकालना है CO3 two negative कहेगा कि कार्बोनेट आयन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी, तो कार्बोनेट आयन CO3 2 नेगेटिव है, ऑक्सीकरण संख्या CO3 2 कार्बोनेट आयन का माइनस 2 होगा। आप कहोगे यहां पे क्यों लिखी है? अरे बच्चे यहां पे NaCl पे कोई आवेश नहीं था, कोई आवेश नहीं था, इस कारण से ऑक्सीकरण संख्या उसका शून्य आया। और किसी भी यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या उसमें उपस्थित अलग-अलग तत्वों के ऑक्सीकरण संख्या के योग के बराबर होता है। CO3 2 नेगेटिव है तो CO3 पूरा C और O की ऑक्सीकरण संख्या को जोड़ोगे तो -2 के बराबर आएगा। C की अगर ऑक्सीकरण संख्या आपसे पूछ दे x मान x हो गया प्लस 3 ऑक्सीजन का -2 बराबर इसके ऊपर -2 चार्ज है -2 इसको हटा दो x बराबर 3 दूना के 6 2 कितना +4। अब C और O की ऑक्सीकरण संख्या को जोड़ोगे -2 के बराबर आएगा। दिखा दें, देखिए अगर हम कर दें यहां पे देखिए तो CO3 2 नेगेटिव है, CO3 कितना चार्ज है आपको खुद पता चल जाएगा। C की ऑक्सीकरण संख्या निकालने में +4, O की ऑक्सीकरण संख्या -2 होता है, 3 है कितना -6, दोनों को जोड़ दो -2 आया कि नहीं? -2 चार्ज दिखा रहा है ना, -2 आ रहा है उसके ऊपर होगा -2। तो इसमें देखें ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन अगर आप देखोगे तो ऑक्सीकरण संख्या में यदि वृद्धि हो रही होगी तो उसको बोला जाएगा क्या, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण संख्या में यदि कमी हो रही होगी तो उसको बोला जाएगा अपचयन। देखिए CO यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, यहां पे CO की ऑक्सीकरण संख्या 0 है, क्या हो रहा है, घट रहा है कि बढ़ रहा है? +2 से 0 घट रहा है ना, तो ये अपचयन हो रहा है और ये अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया है। आप क्या करोगे यहां पे देखो, Zn कोई आवेश नहीं है तो ऑक्सीकरण संख्या 0, ऑक्सीकरण संख्या पे जल्दी ही वीडियो हम डाल देंगे, आप निकालना जान जाओगे। Zn ऑक्सीकरण संख्या 0, Zn की ऑक्सीकरण संख्या +2 क्या, तो इसमें 0 से +2 हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, ये ऑक्सीकरण अर्धविक्रिया है, ये अपचयन अर्धविक्रिया है। दोनों को अगर बैलेंस करना होगा तो बैलेंस करना होगा तो इधर कोई आवेश नहीं है, इधर बैलेंस करने के लिए उचित पक्ष में हमेशा इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं। तो यहां पे देखो CO2 पॉजिटिव है, CU है, इधर दो धन आवेश है, इधर एक भी आवेश नहीं, बराबर कैसे होगा, कैसे बराबर होगा, हम क्या करेंगे इधर दो इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे, इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश होता है तो दो ऋणावेश दो धनावेश न्यूट्रल कर दिया, इधर भी न्यूट्रल है। अरे बात समझ में ना, यहां पे देखो Zn Zn2 पॉजिटिव है, कोई आवेश नहीं है, +2 है, क्या करते हैं दो इलेक्ट्रॉन इधर जोड़ दो, इधर हम दिखा देते हैं। देखिए यहां पे Cu2 पॉजिटिव कन्वर्ट्स इनटू Cu, Zn कन्वर्ट्स इनटू Zn2 पॉजिटिव, यहां CU पे दो धनावेश है, CU पे कोई आवेश नहीं है, तो हम ऐसा कुछ करते हैं, ऐसा कुछ क्या, हम बताए हैं कि हमेशा आवेश के संतुलन के लिए उचित पक्ष में इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है, तो इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो धनावेश की संख्या को कम करेगा, इधर एक भी आवेश नहीं, इधर दो धनावेश, कैसे बराबर होगा, आप जोड़ दो इलेक्ट्रॉन, तो दो ऋणावेश दो धनावेश, न्यूट्रल इधर भी न्यूट्रल इधर भी, हम बताए थे कि ऑक्सीकरण संख्या घट रही है तो रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन, और ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन है, अपचयन अर्धविक्रिया है। यहां Zn है, कोई चार्ज नहीं है, Zn2 पॉजिटिव है, क्या कर दें, इधर इलेक्ट्रॉन जोड़ें, बोलो किधर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा राइट हैंड साइड में, तो दो ऋणावेश ये दो धनावेश, न्यूट्रल ये भी हो गया, न्यूट्रल इधर भी है। अगर क्या हो, अगर Sn मिटाते हैं, इसको मिटा देते हैं, देखिए यदि क्या हो, इधर Sn2 पॉजिटिव है, इधर Sn2
फोर पॉजिटिव है, ये कैसे बराबर होगा दोनों तरफ जब धनावेश है तो SN एक है, SN एक है, दो धनावेश इधर चार धनावेश उधर है, कैसे बराबर कर दें, कैसे बराबर कर दें, आवेश को जोड़ करके बराबर करेंगे, तो इधर दो धनावेश इधर चार धनावेश, इसमें इधर दो धनावेश है और इधर एक दो तीन चार धनावेश, ऐसा हम कर दें दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन नहीं जोड़ा जाएगा, किसी एक तरफ जोड़ेंगे तो इसमें क्या होगा, ऐसा हम कर देंगे इसका दो धनावेश समाप्त हो जाए, क्या कर देंगे इधर दो इलेक्ट्रॉन आवेश को यदि कम करना है तो उधर की तरफ इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए, क्या हो रहा है ऑक्सीकरण हो रहा है कि अपचयन, ऑक्सीकरण संख्या प्लस टू से प्लस फोर हो रहा है यानी कि ऑक्सीकरण हो रहा है, एक फंडा और ये ऑक्सीडेशन, हम तो ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर बताए थे, ये इलेक्ट्रॉन के आधार पर खुद ब खुद आ गया, इलेक्ट्रॉन यदि जुड़ रहा होगा तो रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन यदि बाहर निकल रहा होगा तो ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन यदि बाहर निकलेगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो निश्चित रूप से धनावेश बढ़ाएगा, इलेक्ट्रॉन पे ही तो ऋणावेश होता है, जहां से निकल जाएगा वो व्यक्ति जो होगा वो धनी हो जाएगा और जहां जुड़ जाएगा वो ऋणी हो जाएगा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है तो रिडक्शन और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण संख्या घट रही है तो रिडक्शन, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है तो ऑक्सीडेशन, आई बात समझ में, कर लेंगे ना, एक और उदाहरण देखो, एक और उदाहरण देखिए आप, यहां है Fe3 पॉजिटिव, यहां है Fe2 पॉजिटिव, कैसे बराबर होगा, बराबर कैसे हो, आप क्या करो, अगर मानो कि यहां पे दो मोल दिया, सबसे पहले आवेश वगैरह को छोड़ो, पहले आप परमाणु को संतुलित करो, दो Fe है, दो Fe आप इधर भी कर दो, अब उसके बाद आवेश देखो, तीन दुना के छह धनावेश, दो दुना के चार धनावेश, कैसे बराबर होगा, बराबर होगा आप कर दोगे, इधर छह धनावेश हो गया और इधर चार धनावेश हो गया, बराबर कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन ही है हमको बराबर करने के लिए, इलेक्ट्रॉन जिधर जाएगा उधर के धनावेश को कुछ घटा देगा, किधर जोड़ेंगे, इधर तो इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए, आई बात समझ में ना, इसमें आप चाहो जैसे Fe3 पॉजिटिव दिया था, Fe2 पॉजिटिव दिया था, तो तीन धनावेश है दो धनावेश है, कैसे बराबर होगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर जोड़ दो, बराबर हो गया, ऑक्सीकरण संख्या घट रही है, क्या हो रहा है अपचयन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है अपचयन हो रहा है, तो ऑक्सीकरण संख्या यदि बढ़े तो ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण संख्या घटे तो अपचयन, अरे बात समझ में ना, अब देखो अब हम क्या है, हाफसेल जब किसी धातु की क्षण को उसी के लवणीय विलयन में डुबाते हैं तो इसी निकाय को अर्धसेल बोला जाता है, और इलेक्ट्रोड भी वो किसको बोलेंगे, जब किसी धातु की क्षण को उसी के लवणीय विलयन में डुबाएंगे, जब किसी धातु की क्षण को उसी के लवणीय विलयन में डुबाएंगे तो धातु की क्षण विलयन के सापेक्ष धनावेशित अथवा ऋणावेशित हो जाएगी, जिससे निकाय में एक विभव उत्पन्न होगा उसी को बोला जाएगा इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जब किसी धातु की क्षण को उसी के लवणीय विलयन में डुबाते हैं तो धातु की क्षण विलयन के सापेक्ष धनावेशित अथवा ऋणावेशित होगी, जिससे निकाय में एक विभव उत्पन्न होगा उसी को बोला जाएगा इलेक्ट्रोड विभव, आई बात समझ में, फिर इसके बाद स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसको बोला जाएगा, मानक इलेक्ट्रोड विभव, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ई से डिनोट करेंगे और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ई स्टैंडर्ड से डिनोट करेंगे, ई स्टैंडर्ड बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोड विभव जब किसी धातु की क्षण को उसी के लवणीय विलयन में डुबाते हैं तो धातु की क्षण विलयन के सापेक्ष धनावेश अथवा ऋणावेश हो जाएगी, जिससे उसमें आपका क्यों होगा तो विलयन दाब और परासरण दाब कारक होता है। परासरण दाब अगर अधिक होगा तो इलेक्ट्रोड धनावेश होगा, विलयन दाब अगर अधिक होगा तो इलेक्ट्रोड ऋणावेश होता है। तो जब किसी धातु की क्षण को उसी के लवणीय विलयन में डुबाते हैं तो धातु की क्षण विलयन के सापेक्ष धनावेश अथवा ऋणावेश हो जाती है, जिससे इस निकाय में एक विभव उत्पन्न होता है, इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव तो मानक परिस्थितियों में यानी कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप, 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जब किसी धातु के मोलर विलयन यानी कि जिसकी मोलरता एक हो, 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जब किसी धातु के मोलर विलयन में उसी धातु की क्षण डुबाते हैं तो जितना विभव उत्पन्न होता है उसी को बोला जाता है मानक इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड विभव ही जब 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप और मोलर विलयन में डुबाया जाए तो जो विभव उत्पन्न करेगा उसी को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला जाएगा। अगली बात समझ में, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ई स्टैंडर्ड से प्रदर्शित करें। ठीक है, जब किसी धातु की क्षण को उसी के लवणीय विलयन में डुबाते हैं तो धातु की क्षण विलयन के सापेक्ष धनावेश अथवा ऋणावेश हो जाएगी, जिससे निकाय में एक विभव उत्पन्न होगा जिसको इलेक्ट्रोड विभव बोला जाएगा। और 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जब किसी धातु के मोलर विलयन में उसी धातु की क्षण डुबाते हैं तो जो विभव उत्पन्न होता है उसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आ रही बात समझ में मेरे प्यारे बच्चों? आप इतना आप पढ़िएगा, नोट्स भी आप बना लेना और फिर हम पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं अभी।